लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। बुराड़ी में एक घर में 11 मौतें, परिवार की एक हकीकत आई सामने। दिल्ली के बुराड़ी में एक घर में 11 मौतों के मामले में नया हकीकत सामने आया है। दरअसल एक रिश्तेदार ने परिवार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने ऐसी बात बताई है जिसके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। करीब 5 माह पहले परिवार के सदस्य हरियाणा में फतेहाबाद में टोहाना स्थित अपने मकान की सीढ़ियों का डिजाइन देखने आए थे। वह किसी तंत्र मंत्र विद्या में तो विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन निरंकारी मिशन से जुड़ाव जरूर था। यह कहना है परिवार के रिश्तेदार और टोहाना के पार्षद तिलक भाटिया का। तिलक भाटिया ने बताया कि नारायणी देवी उनकी मौसेरी सास लगती थीं। गोपाल दास का परिवार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गांव रावत भाटा से करीब 45 साल पहले रहने आया था। तिलक राज ने बताया कि उनका रिश्ता भी गोपाल दास के परिवार से उन्हीं ने करवाया था। जब गोपाल दास का परिवार टोहाना में रहता था तो वे भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने बताया कि जब वे दिल्ली गए थे तो उन्होंने निरंकारी मिशन से जुड़ाव कर लिया था। इस परिवार के धार्मिक कार्यों में निरंकारी भवन के संत मौजूद रहते थे। गोपाल दास के परिवार का नियम था कि वे प्रातःकाल और शाम के समय इकट्ठे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। 5 माह पूर्व टोहाना आया था परिवार। भाटिया नगर निवासी राम स्वरूप ने बताया कि गोपाल दास ने लगभग 33 वर्ष पहले उनसे भाटिया नगर में मकान खरीदा था। गोपाल दास के परिवार से फोन पर कभी कभी वार्ता हो जाती थी। रामस्वरूप ने बताया कि लगभग 5 माह पूर्व गोपाल दास की 2 बहुएं व पोते टोहाना आए थे। यह मकान में जो सीढ़ियां लगी हैं, उनका डिजाइन देखा था। यह परिवार दिल्ली में भी मकान बना रहा था। उनको इन्हीं पौड़ियों का डिजाइन वहां लगवाना था। खेती बाड़ी से प्रारंभ किया था काम। तिलक राज ने बताया कि गोपाल दास का परिवार गांव शकरपुरा के एक नंबरदार के खेत में पार्टनरशिप के तौर पर कार्य करता था। इसके बाद उन्होंने टोहाना में जमीन लेकर भाटिया नगर में मकान बनाया व रतिया रोड पर जमीन ली। कुछ समय तक उन्होंने भैंस पालकर दूध का काम किया। लगभग 33 वर्ष पहले परिवार दिल्ली चला गया। टोहाना रहने के दौरान गोपाल दास का बड़ा बेटा भुवनेश विदेश में काम करता था। लगभग 7 से 8 वर्ष के बाद उसका बेटा भी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर आ गया था। दिल्ली में दोनों भाइयों ने प्रारंभ किया काम। तिलक राज ने बताया कि दिल्ली में जाकर गोपाल दास के बेटे ललित ने प्लाईवुड की दुकान में जॉब प्रारंभ की व दूसरे बेटे ने भी जॉब प्रारंभ कर दी थी। इस दौरान लगभग 5 साल पूर्व उनके पिता गोपाल दास की मौत हो गई। कुछ समय पहले ललित की एक हादसे के दौरान आवाज चली गई थी। जब ललित के पिता की मृत्यु हुई तो उसके कुछ दिन बाद ललित की आवाज फिर आ गई। अपने पिता गोपाल दास की आवाज में माता से बात करने लगे, जिसे सुनकर सब दंग हो गए थे। कुछ समय बाद ललित नॉर्मल रूप से बात करने लगा। भाटिया ने बताया कि कुछ समय पहले ललित ने प्लाईवुड की दुकान कर ली व भाई ने भी किराने की दुकान कर ली थी। बुराड़ी से लौटा नागपाल का परिवार। संवेदना जताने वालों का लगा तांता। दिल्ली के बुराड़ी में 3 दिन पहले एक ही परिवार के 11 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद पानीपत के सेक्टर 11 से 12 में रहने वाले अग्नि प्रवीण नागपाल के परिवार में अब भी सन्नाटा पसरा है। परिवार के लोगों की निगाहें दिल्ली पुलिस की जाँच रिपोर्ट पर थमी हुई है। प्रवीण नागपाल का शादी 36 वर्ष पहले नारायणी देवी की बेटी सुजाता के साथ हुआ था। रविवार को संदिग्ध दशा में मरने वाले 11 लोगों में सुजाता की मां नारायण देवी भी है। मौत की समाचार के बाद परिवार के लोग और रिश्तेदार दिल्ली गए हुए थे, जहां से पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के बाद वापस पानीपत आ गए हैं। यहाँ पड़ोसियों और रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा हुआ है। बेटी सुजाता सदमे में है।